आज हम बात करेंगे अलजेब्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। एक्चुअली जो अलजेब्रा है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड अ सोल्यूशन ऑफ मैनी कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन एन ईजी वे। कि कुछ हमारे पास एक बड़ी सारी स्टेटमेंट होती है, उस बड़ी सारी स्टेटमेंट जो तीन चार लाइनों में होती है, हम उसके सिर्फ एक इक्वेशन बना लेते हैं और उस इक्वेशन को हम न्यूमेरिकली जो है वो सॉल्व करके हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू आ जाती है। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता होती लेकिन हम उनको वेरिएबल कंसीडर करके बाद में हम उससे जो है वो वैल्यूज जो है उसको डिड्यूस कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड अलजेब्रा। इसमें इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, जैसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स और इसको हम एक्स स्केयर भी लिख सकते हैं। ये जो एक्स स्केयर है दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि हमने इसको एक्सपोनेंट उसका लिख लिया, उसकी पावर लिख लिया। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंडेक्स आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। एक्स इज कॉल्ड द बेस एंड द पावर टू, ये जो इसके ऊपर टू पावर लिखे दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। ये हमारे पास बेस है और ये इसके ऊपर एक्सपोनेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ये एक क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो उसमें तो बताएं कि बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, कोफिशियंट कौन सा है। तो ये जो ऊपर ऐसे लिखा है दैट इज द एक्सपोनेंट और नीचे जो ये एक्स लिखा है दैट इज द बेस। फिर कोफिशियंट, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशियंट। यानी कि अगर हमारे पास टर्म है जैसे ये 4x है तो यहाँ पे 4 जो है ये इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस वजह से इस 4 को कहेंगे दैट इज़ द कोफिशियंट, दैट इज कोफिशियंट ऑफ x। अगर हमारे पास ये टर्म है फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 5x³, तो यहाँ पे ये जो 5 है ये क्योंकि इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कोफिशियंट है, और ये x जैसे ऊपर बताया गया कि ये बेस है, और ये जो 3 साथ में लिखा है दैट इज़ द एक्सपोनेंट या इसकी जो पावर है दैट इज़ एक्सपोनेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी हमारे पास जो बड़ी सी स्टेटमेंट होती है दो चार लाइनों की, अगर हम उससे इस तरह से एक एक्सप्रेशन उसका बना लेते हैं वेरिएबल्स के लिहाज से, सपोज करके एक्स और वाई की फॉर्म में या ए बी सी की फॉर्म में, उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे अगर देखें 2x + 3y = 8, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक स्टेटमेंट को हमने इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। वेरिएबल्स वो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं जो जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम ए बी सी यूज़ करते हैं, एक्स वाई जी पी एम एल क्यू कुछ भी ऐसे यूज़ करते हैं, तो उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है वो वेरी कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट, अब हमारे पास वेरिएबल मतलब ये वेरी करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कॉन्स्टेंट, मतलब जीरो का मतलब जीरो है, 1 = 1, तो ये जो फिक्स्ड वैल्यू वाले नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट टर्म्स, हमारे पास जो इक्वेशन होती है जैसे ये हमारे पास ऊपर थी 2x + 3y = 8, यहाँ पे जो इसकी ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज चेंज होने की वजह से ये चेंज हो जाएंगे, बट ये जो 8 है दैट इज कांस्टेंट और इसको हम कांस्टेंट टर्म्स कहेंगे। इन एन एक्सप्रेशन x प्लस इन एन टर्म x + 3y + 4, यहाँ पे जो टर्म 4 है ये रिमेन कांस्टेंट या अनचेंज, इस वजह से इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। लीनियर इक्वेशन, ये यहाँ पे अलजेब्रे में बहुत ज़्यादा यूज होगी और इसको रिलेटेड समझो वो पास पेपर जो है कुछ CSS PMS के और कुछ PPSC के कुछ पास पेपर जो होंगे वो इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है विच कंटेन्स वेरिएबल्स विद वन एक्सपोनेंट, यहाँ पे इनकी पावर 1 हो गई है, देखें ax^1 है और b की पावर भी 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को जो हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है अलजेब्रिक, ये √1000 और इसकी पावर है 0 एंड √50 स्केयर है इसकी पावर 2 है एंड -9 √ है और इसकी पावर 3 है। इसके सोल्यूशन की तरफ देखें तो ये किसी भी चीज़ की जो पावर होती है दैट इज 0 = 1, अगर कोई बेशक यहाँ पे इससे भी बड़ी टर्म लिखी होगी लेकिन उसकी अगर पावर 0 है तो दैट इज इक्वल टू 1 एंड 50 का स्केयर रूट है और इसका स्केयर भी है यहाँ पे, तो ये स्केयर रूट से स्केयर कट जाएगा तो ये जस्ट 50 बच जाएगा और 9 का √ दैट इज विल बी इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमारे पास जो अबटेन होगी वैल्यू दैट इज 3 का क्यूब, 1 + 50 - 3 का क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 1 + 50 और ये 3 का क्यूब = 27, 1 + 50 - 27 दैट विल बी इक्वल टू 24, तो ये 24A जो है ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास की क्वेश्चन है, इफ x = 7
एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस फोर अंडर रूट है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें अगर एक्स की वैल्यू सेवन है तो सेवन और फोर का अंडर रूट टू दैट विल बी इक्वल टू नाइन, तो ये इजीली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है वाई इक्वल टू 15 है, देन फाइंड वाई प्लस 16 अंडर रूट, 16 अंडर रूट का मतलब है 4 एंड 50 वाई इक्वल टू 15, तो 15 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 19। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखें ये एक लंबी सी स्टेटमेंट है, मैंने अभी अलजेब्रे की डेफिनेशन में ये बताया था कि ये एक बहुत बड़ी लंबी स्टेटमेंट को जो है वो शॉर्ट इक्वेशन बन के उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के लिए इक्वेशन है हमारे पास, डी इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई टी। यहाँ पे हमारे एस जो दैट इज स्पीड वो 30 दी हुई है और जो टाइम है दैट इज 5 आवर, तो यहाँ से हम डिस्टेंस वो इजीली 150 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स इक्वेशन को हमने इजीली जो है वो इजी वे से सॉल्व कर लिया, सो 150 विल बी द आंसर। ये देखिए हमारे पास एक और टर्म है यहाँ पे 6x स्क्वायर बेस इज, यहाँ पे इस इक्वेशन में बेस थी हमारे पास x। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इन टर्म 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस y माइनस 5, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं, माइनस 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे 5 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे ये माइनस 5 विल बी द आंसर। इन द टर्म 5x क्यूब द एक्सपोनेंट इज, यहाँ पे एक्सपोनेंट का मतलब है उसकी पावर जो उसके ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है, सो एक्सपोनेंट है यहाँ पे 3, सो सी विल बी द आंसर। इन द टर्म 6x स्क्वायर कोफिशियंट इज, यहाँ पे कोफिशियंट की बात हो रही है, तो कोफिशियंट में हमें इसे डेफिनेशन में देखा था वो लेटर वो डिजिट वो नंबर जो इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज द कोफिशियंट, तो बी दैट इज 6 विल बी द आंसर फॉर द कोफिशियंट। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन होंगे तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।